हे गाइस, मैं इक्लिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक इक्लिस। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे विवो के Y21 फोन में थीम अप्लाई प्रॉब्लम गाइस सॉल्व कैसे करें। गाइस, अगर आप भी अपने फोन में थीम को अप्लाई करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गाइस आप उस प्रॉब्लम को गाइस कैसे सोल्व करके अपने फोन में किसी भी थीम को फ्री में डाउनलोड करके अप्लाई करके थीम गाइस कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपके फोन में एंड्रॉयड 11 या फिर एंड्रॉयड 12 कोई भी अपडेट आ गया गाइस, अगर आपके अपने फोन में उसके बाद आपको थीम को अप्लाई करने में गाइस प्रॉब्लम आने लगी है तो हम ऐसा आपको बताएंगे आपके फोन में एंड्रॉइड 11 या फिर एंड्रॉइड 12 कोई भी अपडेट आया हो गाइस तो आपको अगर जो प्रॉब्लम होती है थीम को अप्लाई करने में गाइस प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी और आप यहां पे थीम गाइस एकदम नॉर्मल से अपने फोन में चेंज कर सकते हैं। गाइस, तो वीडियो को स्किप ना करना एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको देखिए सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, यहाँ आपको सर्च बार में यहाँ पे आपको सर्च करना Z Phone 3। ठीक है, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। एप्लीकेशन की 4.1 की रेटिंग है, 11 MB का एप्लीकेशन, इसको 1 करोड़ लोग यूज करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आपको सिर्फ इसकी सेटिंग करना जो थीम को चेंज करने का एप्लीकेशन हो गए दूसरा है, क्योंकि एंड्रॉइड 11 और एंड्रॉइड 12 जो आया आप इसकी पूरी सेटिंग करेंगे तभी गए थीम में जो एप्लीकेशन है तो उसमें गए थीम को चेंज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एग्री पे गैस क्लिक करना है, ग्रैंड पे गैस क्लिक करके आपको अलाउ कर देना। ठीक है, अलाउ कर देंगे, आपको यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट मिलेगा, आपको इमोजी मिल जाएगा और यहाँ पे कलरफुल भी फॉन्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको फॉन्ट भी चेंज करना बिल्कुल गाइस फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कोई नॉर्मल सा फॉन्ट डाउनलोड करेंगे जो कि थीम को चेंज करने के लिए। यहाँ देखिए एप्पल वाले फॉन्ट पे हम गाइस क्लिक किया, यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड को गाइस थोड़ा सा वॉच करके और भी यहाँ से बैक कर देना है, डाउनलोड पर गाइस क्लिक कर देना है। इसको गाइस आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे गाइस अप्लाई पर क्लिक करना है, यहाँ पे ग्रेट स्टार्ट पे गैस क्लिक करना है, यूज दिस फोल्डर पे गैस क्लिक करके आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करेंगे यहाँ पे गैस ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे गैस आपके फोन में 15.9 MB गैस यहाँ पे डाउनलोड होगा तभी आप इसके जो आगे की सेटिंग है सेटिंग कर पाएंगे, नहीं तो सेटिंग नहीं कर पाएंगे। हम वेट करते हैं तब तक हमारे फोन में ये 15.9 MB डाउनलोड होता है। गाइस ये देखिए हमारे फोन में डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे गाइस क्लोज करना ऐड को और यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको अपने फोन में वाईफाई कनेक्शन देना होगा। वाईफाई कनेक्शन देंगे तभी गाइस आप थीम को चेंज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वाईफाई कनेक्शन देखिए आपको गाइस ग्रेट स्टार्ट पे गाइस क्लिक करना है, डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे गाइस क्लिक कर देना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखिए हम दो सेटिंग जो ऑफ की है आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली सेटिंग ऑन करना है और यहाँ पे सेकंड छोड़ के आपको थर्ड वाली यहाँ पे ऑन करना है। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे तीसरी सेटिंग है यहाँ गाइस आपको लेफ्ट साइड में गाइस क्लिक करना है, यहाँ आपको मिलेगा पेयर डिवाइस विथ QR कोड और उसके नीचे आपको मिलेगा पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड, यहाँ गाइस क्लिक करना, आपको 6 अंक का गाइस यहाँ पे कोड मिलेगा, आपको इस कोड को एंटर करना है 077573। ठीक है, हम यहाँ पे एंटर करेंगे 077573 077573। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में एरो को निशाना आएगा, यहाँ गैस क्लिक कर देना है, यहाँ पे गैस क्लिक करेंगे और आपको जो पेयरिंग कोड है गैस वो यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुली हो जाएगी। अभी हमारा यहाँ पे प्रोसेस में है और जब ये सक्सेसफुल होता है उसके बाद हम यहाँ पे इसके आगे की सेटिंग आपको बताते हैं। तो हमारे फोन में देखिए पेयरिंग कोड गाइस यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुकी है और यहाँ से गाइस अभी आपको बैक आना है। ठीक है, फिर से बैक आना है और यहाँ पे गाइस स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे डेवलपर ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे गाइस क्लिक कर देना है, स्क्रॉल डाउन करना, आपको इसको एक बार ऑफ करना, इसके बाद यहाँ पे ऑन कर देना है, यहाँ से बैक आ जाना है और आपके फोन में गाइस जो फोन अभी आप डाउनलोड किए थे करेंगे वो फोन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका फोन यहाँ पे बैक होगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे Z फोन आपका ओपन भी हो जाएगा। यहाँ से बैक आना है, आपको गाइस मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम अपने जो कि व्हाट्सएप में रखे लिंक को यहाँ गाइस हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे गाइस क्लिक करना और आपको अपडेट पे गाइस क्लिक कर देना है। अपडेट पर गाइस क्लिक कर देंगे और गाइस ये आपके फोन में इंस्टॉलिंग होगा तो गाइस उसके बाद जो आगे की सेटिंग है यहाँ से आपको बताते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे डन पे गाइस आपको क्लिक कर देना, यहाँ से बैक आ जाना है, फिर से आपको यहाँ पे बैक आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए फिर से प्ले स्टोर को ओपन करना, एक एप्लीकेशन और आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ सर्च करना विवो थीम, सर्च करेंगे यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। हम देखिए इसको ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखे हैं, ओपन करते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ गाइस आपको अनलिमिटेड थीम मिलेगा और जो भी थीम आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहो गाइस बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। हम देखिए इस थीम पे गाइस क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड को गाइस थोड़ा सा वॉच करना और यहाँ से अभी बैक कर देना है। ठीक है, बैक करेंगे और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का चेंज थीम का, आपको डाउनलोड पर गाइस क्लिक करना और यहाँ पे डाउनलोड डाटा और यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन है। जब तक गाइस आपके फोन में ये थीम डाउनलोड नहीं होगा तब तक गाइस आप थीम अपने फोन में बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको वेट करते हैं जब तक हमारे फोन में ये थीम डाउनलोड नहीं हो जाता है। तो 11.59 MB का है तो इसको हम डाउनलोड पर लगा देंगे, गाइस हमारे फोन में भी डाउनलोड होगा, उसके बाद हम इसको चेंज करके बिल्कुल दिखाएंगे थीम को।
गाइस तो देखिए थीम हमारे फोन में डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड को गाइस यहाँ से हम बैक करेंगे। बैक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, चेंज थीम का और ओके का। आपको चेंज थीम पर गाइस क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइस क्लिक करेंगे, आपको अलाउ पे क्लिक करना, आपको मी का या फिर लोकल का ऑप्शन आएगा, यहाँ गाइस क्लिक करना है। आपको मिलेगा लोकल थीम का ऑप्शन, यहाँ पे गाइस क्लिक करके और इस थीम पर हम देखिए क्लिक कर रहे हैं। इसी थीम को अभी हमें अपने फोन में डाउनलोड किए थे, हम इसको देखिए अपने फोन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए गाइस यहाँ पे अप्लाई कर दिया और अप्लाई गाइस हमारे फोन में सक्सेसफुली हो चुकी है और ऑटोमेटिक आपका फोन यहाँ पे बैक हो जाएगा। लोडिंग का ऑप्शन था तो यहाँ पे देखिए थीम गाइस हमारे फोन में बिल्कुल चेंज हो गया है। तो आप ऐसे बिल्कुल सेटिंग करके अपने फोन में किसी भी थीम को फ्री में डाउनलोड करके अप्लाई करके थीम गाइस बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आई होप गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फ्री के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।